अस्सलाम जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सेकंड एक्सरसाइज बैच 7 के अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम और इंस्ट्रक्शंस आपको पता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी ये है कि एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको जो है वो digiskills.pk का जो लोगो है वो आपको रीडिज़ाइन करना है। आपकी जॉब ये है कि आपने एक मॉडर्न और वर्सटाइल सिंपल एस्थेटिक सा लोगो जो है वो क्रिएट करके देना है, जो आपका लोगो होगा वो इंडिकेट कर रहा हो एम्पावरमेंट को। उसके बाद आप जो अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो आप डिफरेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा या यूडेमी वगैरह से भी आइडिया ले सकते हैं कि उनके जो लोगोज हैं वो किस तरह से हैं। उसके बाद आपका जो लोगो होगा वो फ्लैट मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है वो आपने ज़्यादा जो है वो एडवांसमेंट नहीं करनी है। एक खूबसूरत सा एजुकेशनल लोगो जो है वो आपने क्रिएट करना है। एडिशनली आपको ये बताया गया कि आप जो है वो digiskills.pk का जो कलर स्कीम है अभी ऑरेंज और येलो समथिंग लाइक दैट, आप जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो न्यू कलर स्कीम जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अजीता जी ब्रांड नेम आपको बताया गया है, करंट कलर स्कीम आपके पास है, लोगो टाइप आपको बताया जा रहा है। गाइडलाइंस आपकी ये है कि आप जो है वो अडोब इलस्ट्रेटर के अलावा किसी भी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वेबसाइट के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और आपका जो लोगो डायमेंशंस हैं वो 1000x1000 होने चाहिए। डिफरेंट टूल्स को लाइक पेन पेंसिल को यूज़ करते हुए आप जो है वो अपना लोगो डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से आपने जो है वो एक बना लेनी है फाइल, ठीक है, जहाँ पे आपने अपने स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो प्लेस करने हैं। सबसे पहले ऊपर कोर्स का नाम, देन एक्सरसाइज, देन बैच एंड देन 1-3 क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है वो जब आप लोगो अपना क्रिएट कर रहे हो तो उसके दरमियान आपने एटलीस्ट 3 स्टेप्स की जो है वो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। सेकंड में आपने अपना फाइल और लोगो का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। थर्ड में आपने लेयर पैनल का जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपने प्लेस कर देना और आपकी एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ आ गई। अब आपका सबसे पहले जो है वो क्या स्टेप होगा, आपका स्टेप ये होगा कि आपने जो है वो ऑनलाइन सर्च कर लेनी है लोगों से रिलेटेड कि digiskills का लोगो जो है वो किस तरह से होना चाहिए, या डी से रिलेटेड या एस से रिलेटेड, इस तरह से कॉम्बिनेशन आपने जो है वो क्रिएट करने हैं। फोटो पे हम आगे क्योंकि उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि आप सिर्फ अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। वेट और हाइट जो है वो आप 1000x1000 रख लीजिएगा, और मैं जो हूँ वो सिंपल नीचे से इंस्टाग्राम जो है वो एक इसका जो पोर्ट्रेट है वो पिक कर लेती हूँ ताकि मैं जो हूँ वहाँ पे लोगो क्रिएट कर लूँ, ठीक है जी। आप अगर यहाँ पे 1000x1000 करके पिक्सल्स की जगह इंचेस करते हैं तो वो आपको ये भी कह सकता है कि आपका जो रैम है वो इतना कैपेबल नहीं है, तो नीचे से आपको जो है वो कोई भी सैम्पल पिक करना पड़ेगा। इसलिए आपने क्या करना है जी, आपने नीचे से ही कोई सैंपल जो है वो पिक करना है। ऊपर अगर आप इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है ना 1280 और साइड में नज़र आ रहा है पिक्सल्स, अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं ना 1000 और हाइट में भी लिख देते हैं 1000, तो क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इंचेस करते हैं तो वो आपका क्रिएट नहीं होगा। इस तरह से आपके सामने अपीयरेंस आएगी। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, कंट्रोल जे प्रेस कर देना है ताकि हमारी जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो जाए, ठीक। अब यहाँ पे जिस तरह से भी आपने अपने माइंड में स्केचिंग की हुई है या किसी और लोगों से आपने आइडिया लिया हुआ है, उस तरह से आप जो है वो यहाँ पे लोगो डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आपको जो है वो शेप्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको पेन पेंसिल टूल की जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपके पास अगर आपने शेप्स के थ्रू जो है वो अपना डिज़ाइन क्रिएट करना, तो यहाँ पे आपको शेप्स नज़र आ रही है, यहाँ से आप जो है वो शेप्स का यूज़ करके अपना जो है वो क्रिएटिविटी शो करा सकते हैं। मैं जो हूँ वो पेन के थ्रू करूँगी। तो एक बात याद रखें कि जब भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो आप जो है वो यहाँ पे इस तरह से रूलर्स की जो लाइंस होती है ना वो सबसे पहले अलाइन कर लिया करें। इससे क्या होता है कि आपका जो लोगो होता है उसमें बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी होती है और आपका जो लोगो है वो एक मैसी लुक नहीं दे रहा होता, ठीक है। आपकी समटाइम्स जब हम यूजुअली हम जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो पेन टूल और पेंसिल टूल्स जो है वो यूज़ करते हैं वाइल क्रिएटिंग लोगोस, तो जो है वो सोगी लुक आ जाती है अगर हम रूलर्स वगैरह जो है वो यूज़ ना करें तो, ठीक है जी। ऊपर आपने जो है वो शेप ही रखनी है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और जिस तरह का मेरा डिज़ाइन था उस तरह से मैं जो हूँ सिंपली इसको ड्रा करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है।
आपका जिस तरह का होगा आपने उस तरह से उसको ड्रा करना स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक एक चीज़ तो आपको यहाँ पे नहीं बता सकती। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, पेन टूल लिया और जैसा मेरा जो है वो स्केचिंग थी लोगों की, उस तरह से मैंने जो है वो इसको डिज़ाइन कर दिया और मैंने इसमें कोई बड़ी जो है वो कारनामा सर अंजाम नहीं दिया है, ठीक। और यहाँ से इसको मैंने इस तरह से कर दिया और ये जो है वो, अगर मैं आपको थोड़ा सा स्लो करके दिखाऊंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और ये मैं जो हूँ वो आपको इतना ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होएगा तो आप लोग भी जो है वो बोर हो जाएंगे, ठीक है। मेरा मकसद ये है आपको आइडिया देना। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ये क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैंने जो है वो डुप्लीकेट लेयर इसकी साइड पे आपको लेयर पहने में नज़र आ रही होगी, इसलिए क्योंकि अगर हम नेक्स्ट जैसे ही लेयर ऐड करते हैं हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड होती है, तो पिछली जो है वो हमारे पास जो है वो डिसअपियर हो जाती है, तो हमें जो है वो सही तरह से पता नहीं लगता। इस वजह से मैंने जो है वो लेयर कॉपी किया, बाद में जो है वो मैं इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है, ताकि मैं जो हूँ वो अपनी आउटलाइन क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ इस तरह से ये जो है डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है और इसकी ऊपर जो आपको टॉप पे नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ शेप, इसको आपने शेप ही रहने देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पाथ लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो आपने इसको जो है वो शेप पे कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद आपको आगे फिल नज़र आ रहा है तो ये आपने जो है वो इसको एम्प्टी रखना। उसके बाद स्ट्रोक आपकी जो है उसको भी आपने एम्प्टी रखना है। यहाँ पे जो है वो मैंने, क्योंकि ये दोनों शेप्स जो थी वो मैंने क्रिएट करनी थी तो ये मैंने कर ली। उसके बाद मैंने जो है वो इसको अकॉर्डिंग टू द करंट कलर पैलेट ऑफ द डिजिस्किल्स लोगो, तो उसके मुताबिक मैंने जो है वो येलो ऑरेंज और इस तरह से जो है वो कम्बिनेशन बना के तो यहाँ पे कलर्स जो है वो असेंबल करती हैं। उसके बाद मैंने इसकी इस तरह से भी एंगलिंग जिस तरह से करते हैं हम के कलर जो है वो कौन सा किस तरह आएगा, किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे कर ली हैं, ठीक है जी। आप जो है वो सिंगल लेयर्स को भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हम शेप 1 को करेंगे, उसके बाद शेप 3 को करेंगे। 2 वाली जो थी वो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि हमें जो थी वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैंने कॉपी की थी लेयर ताकि हमें जो है वो अपना डिज़ाइन ठीक तरीके से हम क्रिएट कर सकें। तो इस तरह से मैंने जो है वो ये बना लिया और बनाने के बाद जी इसको मैंने जो है वो यहाँ पे कलर भी दे दिए। उसके बाद जो है वो यहाँ से एक और जिस तरह से भी हम मेरा डिज़ाइन था उस तरह से मैंने जो है वो यहाँ पे बनू के और इसके अंदर कलर वगैरह ऐड करके इसकी जो है वो इसको इफेक्ट वगैरह इसके चेंज करके तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो इसको प्लेस कर दूँगी। आपने भी जो है वो इसी तरह से करना है, इसमें कहीं कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल सिर्फ आपको तब पेश आएगी जब आपने जो है वो आइडिया लेना होगा, ठीक है, सिंपल। अब आप जो है वो आइडिया किससे ले सकते हैं, आप गूगल से ले सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक लोगो मेकर, वहाँ से आप जाएं और वहाँ पर जाके जी आप लिख सकते हैं कि हमें जो है वो कम्बिनेशन डी और एस का बता दे तो वो आपको बता देगा, या फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, तो कंपनी नेम में आप digiskills.pk भी लिख सकते हैं तो आपके सामने जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई बींग इमेज क्रिएटर यूज़ करता है तो उसके ऊपर आप सिंपली जाके लिखेंगे वर्ड मार्क फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो ऑफ digiskills.pk, तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे, उससे भी आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, मैंने ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे बारी आती है टेक्स्ट ऐड करने की, ठीक है जी। अब टेक्स्ट मैं वो वाला ऐड करूँगी जो अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन होएगा, अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस होएगा, आपकी जो प्रेफरेंसेस होएंगी, आपका डिज़ाइन जिस तरह से होएगा आपने उस तरह से अपना जो टेक्स्ट है उसका स्ट्रक्चर है वो आपने रख लेना, ठीक है। ऊपर आपको नज़र आ रहा है टॉप पे और साइड पे भी आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि साइज़ जो है वो फॉन्ट का कितना है, ट्रैकिंग कितनी है, लीडिंग कितनी है और इसकी जो है वो बेस लाइन कितनी है और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि आपने जो है वो
आपका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो आपने राइट साइड पर रखा है या लेफ्ट साइड पर रखा है या सेंट्रलाइज करना है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ऊपर आपको जो है वो नज़र आ रहा है शार्प, अगर आप शार्प के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे आपको जो है वो स्मूथ और इस तरह से जो है वो ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरह से होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किस तरह से इफेक्ट होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से भी सारा आइडिया जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट डैट, इट्स वेरी ईजी। और यहाँ पे जो है वो मैंने इस तरह से लिख लिया, लेकिन ये जो है वो मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा, इसलिए मैं जो हूँ वो इसका जो फॉन्ट है वो कर देती हूँ चेंज, ताकि ये जो है वो अकॉर्डिंग टू आर लोगो डिज़ाइन जो है वो फिट करे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने हमें कहा था कि आपका जो कलर स्कीम होगी वो आप येलो और ऑरेंज और चारकोल कलर में भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपको लास्ट वाली लाइन में ये भी कहा था कि आप जो है वो एडिशनली अगर न्यू कलर पैलेट जो है वो रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई 3D इफेक्ट देना चाहते हैं अपनी शेप को, अपने टेक्स्ट को, तो यहाँ से आप जो है वो दे सकते हैं। अगर लाइक आपको जो है वो ड्रॉप शेडो ऐड करना है या आउटर ग्लो ऐड करना है या किसी किस्म का पैटर्न आपको यहाँ पर प्लेस करना है या ग्रेडियंट ओवरले या इनर ग्लो करना है या स्ट्रोक्स ऐड करनी है या किसी भी किस्म का आपको टेक्स्चर देना है, तो यहाँ से आप जो है वो सेटिंग करके ओके के बटन के ऊपर क्लिक करें, आपकी जो है वो सारी चीज़ें इस तरह से जो है वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। अब यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट के भी ये सारी ग्रेडियंट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ग्रेडियंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। तो ये हमारा जो है वो सिंपल फाइनल लोगो जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसमें मैंने इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं मारी। अब इस लोगो को जो है वो थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं क्या करूँगी जी, यहाँ पे अगर आपको देखा जाए, आपको नज़र आ रहा होगा डीजी का डी भी कंप्लीट हो रहा है और आई भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा और क्रिएटिव करना है। आप जो है वो अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग इसको जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो है वो समझ आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो है वो उसने इस तरह से लोगो बना दिया तो आपने जो है वो इसी तरह से बनाना है, आपने अपना लोगो जो है वो चेंज बनाना है, डिफरेंट बनाना है। अगर आप इसी तरह से लोगो जो है वो बनाएंगे, सबमिट कराएंगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, कीप इन माइंड। और आपने जो है वो अपना न्यू जो है वो लोगो बनाना, किसी भी किस तरह से आप जो है वो इसको चेंज कर दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से बनाना है, ये कोई इतना हाई मुझे लगता कि है, बड़े ज़्यादा लोग आप लोग जो क्रिएटिव है, तो आपने क्रिएटिविटी जो है वो आप लोग दिखाएं और इंशाल्लाह आपका जो है वो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे टू बिकम अ सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर। और जब आप बन जाए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ऊपर टॉप पे आपको चैनल नज़र आ रहा है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो गो एंड वॉच दिस चैनल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अर्न विद ज़हरा। और सॉल्यूशन फाइल आपकी तब ओपन होगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे, इजीली आपके सामने जो फाइल है आपकी ओपन होके आ जाएगी। तो ये जो था लोगो मैंने बना लिया। यहाँ पे मैंने जो था वो स्ट्रोक्स ऐड नहीं की थी। अगर यहाँ पे आपने कोई स्ट्रोक ऐड करनी है ना, एक एक शेप के ऊपर देनी है, एक एक फॉन्ट के ऊपर, एक एक कट के ऊपर आपने देनी है, तो ऊपर आपको स्ट्रोक का बटन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से जो है वो स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो था वो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है वो एक 3D टाइप इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे एक लाइन जो है वो इंसर्ट कर दी, ठीक है। ये सिर्फ मेरा डिज़ाइन है, आप जो है वो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेम टू सेम मेरा डिज़ाइन जो है वो कॉपी करेंगे और क्रिएट कर भी लेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हर बंदे का जो है वो माइंडसेट चेंज होता है, हर किसी का जो क्रिएटिविटी है वो चेंज होती है, तो आपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो बनाना है। मेरा काम था आपको आइडिया देना, तो वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इस बात पे सिर्फ अटे नहीं रहना, आपने अटे नहीं क्या होता है जो भी होता है कि आपने जो है वो यही कलर पैलेट रखना है। आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ब्लू में भी कर सकते हैं, ठीक है। डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, लाइट ब्लू और पर्पल का भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। दीज आर लुकिंग अमेजिंग। और इस तरह से जो है वो मैंने ये लोगो सिंपली क्रिएट कर लिया और यहाँ पे इसकी फिल्मेंट और स्ट्रोक्स वगैरह ऐड कर ली। उसके बाद क्या करना है जी, मुझे
करना ये है कि मुझे बैक साइड पे जो हमें लेयर नज़र आ रही है वहाँ पे मुझे कलर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने बकेट टूल के ऊपर गई और यहाँ से मैंने जो है फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर जो है वो चूज़ करते हैं, लेयर को हम जो है वो ये कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी मैंने जो टेक्स्ट लेयर थी वो सेलेक्ट की थी, मुझे लेयर वन को सेलेक्ट करना है। और इस तरह से ये जो है वो कितना खूबसूरत लोगो, मतलब अब अपने मुँह से मैं क्या तारीफ करूँ, लेकिन अगर आपको लोगो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आपको जो है जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, जो भी बैकग्राउंड पे देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक कलर है ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बड़ा अमेजिंग इफेक्ट जो है वो ये दे रहा है। ठीक है, आपने जो देना वो भी आप दे सकते हैं। सिंपल बकेट टूल पर जाएं, नीचे से आपको जो है वो कलर मिल जाएंगे, आप कलर सेलेक्ट करें और अपनी बैक लेयर को जो है वो कलर दे दें। सिंपल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले जो क्वेश्चन था हमारा उसके अंदर आपको करना ये था कि आप जब अपना लोगो को डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो ड्यूरिंग द डिज़ाइनिंग प्रोसेस आपने एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे प्लेस करने थे। ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग कर होता है ये काम। उसके बाद अब आपका फाइनल लोगो क्रिएट हो गया, ये आपको सेकंड टास्क के अंदर प्रोवाइड करना है। थर्ड में आपको क्या करना है कि आपको जो नज़र आ रहा है ना लेयर पैनल साइड पे, कौन सी लेयर ऐड हुई है, कहाँ पे ऐड हुई है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। और थर्ड टास्क में आपने जो है वो प्रोवाइड कर देना। एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।